जमा लिया। रूठे थे हमसे जो उनको भी मना लिया। पी को ले डर जाए सबको बतला दिया। कहती मेरे अपनों के दिल में भी जगा बनाइयो नहीं रे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया, उसके बाद डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। इसमें डालेंगे हल्का सा सॉल्ट ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। टमाटर को ओवर कुक नहीं करना है, तो इतना कुक करना है कि खाते टाइम थोड़ा सा क्रंच आए। ये है इडली बनी हुई, ऑलरेडी बनी हुई इडली है सूजी की। तो मैंने एक एक इडली को चार पीसेस में कट कर दिया है लाइक दिस। ऐसी सारी इडली को कट कर दी। टमाटर पक चुके हैं, प्याज अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केचप। केचप की जगह आप टमाटो प्यूरे डाल सकते हैं या पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा केचप। केचप के अंदर डालेंगे मैगी मसाला। अब इसे मिलाएंगे दो मिनट के लिए। इसे 30 से 40 सेकंड का टाइम देंगे ताकि केचप के अंदर मसाला अच्छे से चला जाए। टाइम हो गया है, अब टाइम है इसमें इडली डालने का जो हमने थोड़ी देर पहले काटी है। अब इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इडली को सॉटे करते वक्त गैस थोड़ी तेज कर दें। इडली को हमने एक से दो मिनट पका लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे ऑरेगानो सीजनिंग। इसमें ऑरेगानो सीजनिंग हमने डाल दिया। अब इसे एक बार और सॉटे करेंगे। जस्ट लुक एट द इडली। अभी इडली बन चुकी है, इसे गार्निश करेंगे ग्रीन कोरिएंडर से। हमारी इडली कंप्लीट।